नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। लेबनान में इन दिनों बड़ी दहशत का माहौल है। यहां पेजर और वॉकी टॉकी सहित घर में रखे टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक फट रहे हैं। इसको लेकर लोग काफी ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसमें डर का भी काफी माहौल है। आलम यह है कि लोग अपनी वॉकी टॉकी और टीवी रिमोट आदि से बैटरी निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं। उधर लेबनानी सैन्य बल यहां तक कि चावल की बोरियों को धमाके से बर्बाद करते दिखे। थाईलैंड से मंगाई गई चावल की बोरियां बेरूत मेडिकल सेंटर के पार्किंग क्षेत्र में रखी गई थी और सैन्य बलों को डर था कि इनमें भी विस्फोट छुपाए जा सकते हैं। इन सब के बाद सवाल यही उठता है कि लेबनान में आखिर ये सब क्या हो रहा है, कैसे अचानक से ये सब होने लगा है। 17 सितंबर को एक के बाद एक सैकड़ों पेजरों में धमाके देखे गए और इसी घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3000 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। पेजर धमाकों से लेबनान डरा सहमा हुआ नजर आ रहा है और इन घटनाओं में मारे गए लोगों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जनाजे में ही लोगों के जेब में रखे वॉकी टॉकी फटने लगे और 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीबन 450 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। न्यूज एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेजर धमाकों के एक दिन बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट की घटना हुई। एक दुकान जिसमें वॉकी टॉकी रखे हुए थे उसमें भी आग लग गई। सोशल मीडिया पर भी कई तरीके की तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें लेबनान के लोगों ने घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों का दावा भी यहां पर किया है। लोगों का कहना है कि फिंगरप्रिंट लॉक और किचन अप्लायंसेस भी धमाके से फटते नजर आ रही हैं। उधर लेबनान की आधिकारिक समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक बेरूत और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में घर में सोलर सिस्टम में भी धमाका हो गया। सूत्रों के मुताबिक ये वॉकी टॉकीज करीबन 5 महीने पहले खरीदे गए थे। बताया जा रहा है कि पेजर भी करीब करीब तभी खरीदे गए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जैसे ही धमाके हुए हिजबुल्ला के दूसरे सदस्य वॉकी टॉकी से बैटरी निकाल कर फेंकने लगे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक घरों में लगे सोलर सिस्टम में भी विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि वॉकी टॉकी फटने की यह दर्दनाक घटना हिजबुल्ला के गढ़ में हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत, बेका और दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों लोग घायल हो गए। ऐसा लग रहा है कि लेबनान में विस्फोट की दूसरी लहर आ गई है। जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए उनको हिजबुल्ला इस्तेमाल कर रहा था। धमाकों का आरोप इसराइल पर लगाया जा रहा है। लेबनान में हो रही घटनाओं से एक और जंग का डर सताने लगा है। लेबनान में पेजर धमाकों को लेकर कहा गया है कि हो सकता है कि पेजर सिस्टम को हैक कर लिया गया हो और विस्फोट किया गया हो और इसका सीधा शक इसराइल और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि हैकिंग के जरिए पेजर की लिथियम बैटरी को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया गया कि उसमें धमाका हो गया। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि पेजर बनाते समय या फिर उसकी आपूर्ति के समय सप्लाई चेन को कहीं भेज दिया गया हो और हजारों पेजों में विस्फोट प्लांट किया गया हो। वह इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि इसराइल ने एहतियातन तौर पर बुधवार को लेबनान के साथ लगती अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT इंटरनेशनल।